झारखंड विकास मोर्चा ने कार्य समिति की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने की। इस बैठक का मजमून क्या रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पार्टी का होगा पुनर्गठन, केंद्र से लेकर पंचायत तक पुनर्गठित होगी पार्टी। बाबूलाल को पुनर्गठन के लिए किया गया अधिकृत। बीजेपी में विलय की खबरें सिर्फ अफवाह, प्रदीप यादव। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए बाबूलाल। रांची में जेवीएम कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने पार्टी की सभी कमेटियों को भंग करने का प्रस्ताव रखा। इस बैठक में पार्टी के पुनर्गठन के लिए बाबूलाल मरांडी को अधिकृत किया गया। पंचायत स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक जितने भी मंच मोर्चा है, जितने भी हमारे अनुसांगिक इकाई है, पूरी कमेटी को पुनर्गठन करने का निर्णय हुआ और जिसके तहत आज पूरे केंद्रीय कार्य समिति में सबों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय को सफल करते हुए और सहमति प्रदान करते हुए, समर्थन देते हुए हमारे नेता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को अधिकृत किया गया कि पुनः आप पुनर्गठन करें और मजबूती के साथ वैसे लोग जो संगठन में कुछ करना चाहते हैं, जो संगठन में काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को जोड़ करके एक मजबूत आधार पर, एक मजबूती के साथ हम एक पार्टी का गठन करें और आगे के निर्णय और आगे के आंदोलन को, हम रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए। पंचायत से लेकर केंद्रीय स्तर तक पार्टी को पुनर्गठित किया जाएगा, पार्टी नए सिरे से खड़ी की जाएगी, इसे लेकर बैठक में मंथन हुआ। हमने इतना ही कहा है कि भाई पुनर्गठित करने का अध्यक्ष जी को अधिकार देना चाहिए और उन्हें सर्वसम्मति से अधिकार मिला है। नहीं, भंग करने के दूसरे मायने होते हैं, वो शब्द में केवल हेर फेरता है, वो तो केवल शब्द के मतलब है। उनके भाव एक ही हैं, उसके अंदर बातें एक ही छिपी है, कोई अलग नहीं है। जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने पार्टी के विलय और बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को खारिज किया, लेकिन बाबूलाल मरांडी खुद मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। हमें नहीं लगता, आज तो पार्टी एकजुट दिखी है, आगे भी एकजुट दिखेगी और भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, कल तूफान आने वाला है, कल भूकंप आने वाला है, यह तो अगर आपके पास उसे कोई यंत्र हो तब तो आप बेहतर बता सकते हैं। सिर्फ 3 सीटों पर सिमटने के बाद जेवीएम ने हार के कारणों पर मंथन किया, साथ ही कार्य समिति की बैठक में भविष्य की रणनीति भी बनी। विनीत उपाध्याय, न्यूज 11 भारत, रांची।